हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं लाइव मंत्रा बाय वर्षा। किचन स्टार्ट करने के सामान की सेकंड लिस्ट मैं लेकर के आ गई हूं। फर्स्ट लिस्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर दी है। तो देखिए, किचन स्टार्ट करने के सामान में सबसे ज़रूरी होता है डिश वॉश या डिश सॉप। उसके बाद आते हैं जूने। सॉफ्ट जूना हमें चाहिए नॉर्मल बर्तन के लिए, और इस तरह का हार्ड जूना हमें चाहिए एल्युमिनियम के जो कुकर कढ़ाई वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, और इस तरह का एकदम सॉफ्ट वाला जूना हमको चाहिए नॉनस्टिक बर्तन को साफ़ करने के लिए। बर्तन साफ़ करके हाथ धुलने के लिए चाहिए हैंड वॉश, और बोतल वगैरह को साफ़ करने के लिए इस तरह का ब्रश चाहिए। सिंक को साफ़ करने के लिए इस तरह का ब्रश चाहिए। काउंटर टॉप पर जो पानी गिर जाता है उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का छोटा किचन वाइपर चाहिए। बर्तनों को साफ़ करके रखने के लिए इस तरह की बास्केट चाहिए। यही कुछ छोटे छोटे सामान होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनके बिना किचन में काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नैपकिन चाहिए, और घी वगैरह रखने के लिए इस तरह का डब्बा ले सकते हैं। पीने का पानी प्लास्टिक की बोतल में रखने से अच्छा है कि घड़े में रखें। आटा या फिर किचन में जो भी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है उसको रखने के लिए आप इस तरह के डब्बे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे और काफ़ी सस्ते रेट में ये आपको मिल जाते हैं। फ्रेंड, मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सब्ज़ी वगैरह को निकालने के लिए आप इस तरह के बाउल ले सकते हैं। इसमें आप स्टील के, प्लास्टिक के, जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे बाउल ले सकते हैं। सब्ज़ी वगैरह कट करनी हो या सब्ज़ी बना के निकालनी हो, बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो यही थे वो सामान जो आपको किचन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारे सामान होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वही मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।